ये साड़ी आप लेके आए हो? Not bad, हाँ? अब हो जाइए टर्न। हेलो। हेलो। ये साड़ी लुक्स गॉर्जियस। थैंक यू। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस सिंह। मिसेस सिंह, आइए मैं आपको बुलबुल से मिला देती हूँ। वैसे बहुत तो बहुत ही सुंदर और चुन के लाए। वीर और इनकी जोड़ी तो बहुत ही परफेक्ट है। देख ले बुलबुल, इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। वीर के बराबरी की लड़की, यानी मैं तेरी जैसी फेलियर नहीं। शालिनी जी, ये हमारी बहू नहीं है। हमारी जो बहू है ना बुलबुल, उसकी बहन दृष्टि है। यस मैम, मैं वीर की पत्नी बुलबुल की बहन। बुलबुल आ जाओ बेटा। ये शालिनी जी हैं, DIG सर की वाइफ। और शालिनी जी, ये हमारी बहू बुलबुल। नमस्ते। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? हेलो। तुम DIG सर से नहीं मिली ना? जाओ उनसे मिल लो। वीर जी, बेटा इसे मिलवाना जरा DIG सर से। जाओ। जी। थानेदार साहब, मैं वो आपकी दी हुई साड़ी ना बुलबुल, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अपनी पसंद नापसंद के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। थानेदार साहब, मैं सच में वही साड़ी पहनने वाली थी। पता नहीं कब स्त्री चाची से इतनी गर्म हो गई और वो साड़ी जल गई। मैं सही में वो पहनने वाली थी। ये चिपक कैसे गया? नहीं 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 नहीं, थानेदार साहब ने इतने प्यार से दी ये साड़ी। मैं क्यों मेहनत करूं बुलबुल? अब तो तू अपना तोहफा खुद ही खराब करेगी। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। सर, या सर, माय वाइफ बुलबुल सिंह। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते। नमस्ते। वीर सर, सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की एक पिक्चर तो बनती है ना हमारे साथ? अब शालिनी, अब जरा वाइफ हस्बैंड को रहने दो, बाहर आ जाओ। अरे भाई, तुम दोनों इतने दूर क्यों? पास आ जाओ प्लीज। वीर कम ऑन, एक रोमांटिक पोज दो यार। वीर, अरे थोड़ा और क्लोज होके एक पिक्चर दो ना प्लीज। सर, so.
बुलबुल अच्छी सी फोटो खिंचवा ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में तेरी शादी की बस यही एक याद रहने वाली है। जीजी, हाँ बोल ना। जीजी, लगता है थानेदार साहब अपनी घरवाली से नाराज है। आप वो जीजी, जीजी वो अंग्रेजी वाली चिट्ठी आप मारे को लिख के देने वाले थे ना, वो दे दो मारे को लिख के। अच्छा ठीक है, मैं लिख के देती हूँ तुझे। अरे Attention, ladies and gentlemen. Now the main part of this program. ACP वीर प्रताप को उसकी जाबाजी और दिलेरी से कर्तव्यता के परे जाकर काम करने के लिए पुलिस फोर्स के द्वारा नवाजा जाएगा। Come on, give a big round of applause, ladies and gentlemen. वीर भाई। कहाँ हो जीजी, जल्दी आओ ताकि डीआईजी सर के बाद मैं अपनी बात कह पाऊँ। एसीपी वीर प्रताप सिंह ने ना सिर्फ नाबालिग लड़कियों का धंधा करने वाले गिरोह को पकड़वाया, बल्कि नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। जीजी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बुलबुल, ये देख, मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया, बस तुझे पूरे दिल से पढ़ना, ठीक है? थैंक यू जीजी। वीर, राजस्थान पुलिस फोर्स को तुम पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। इसी तरह ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ तुम अपना काम करते रहो। तब बस ये एक मौका है थानेदार साहब की नाराजगी दूर करने का। जा बुलबुल, बहुत अच्छा मौका। जीजी, अंग्रेजी बुलबुल, जाना, मैंने सब लिख कर तो दिया है, बस तुझे बोलना है, जा। अब मैं चाहूंगा कि वीर की फैमिली में से कोई आए और हमारे होनहार डायनेमिक एसीपी वीर प्रताप के लिए दो शब्द कहे। एनीबॉडी? सुलच्छो, जहां वीर के आईपीएस ऑफिसर बनने और यहां तक के सफर का सपना तूने भी तो देखा है उसके साथ साथ, हैं? जा, 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 जा। प्रणाम पंडित जी। आपने बुलबुल की नई कुंडली बना ली ना? अब वीर की कुंडली के साथ उसे मिलवा लिया, सब ठीक है ना? सुरक्षा जी। जी। मैंने वीर और बुलबुल की कुंडलियों को कई बार बांचा है और कई बार मिलाया है। आपके लिए मेरे पास बहुत बुरी खबर है। क्या 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 बुरी खबर है पंडित जी? बुलबुल की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, अमावस दोष। वीर और बुलबुल की कुंडलियां मिलाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि बुलबुल से विवाह करने के पश्चात उसके अमावस दोष के कारण वीर के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसका मतलब बुलबुल और वीर की शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मुझे इसी बात का डर था। इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे परिवार ने हमें, मुझे गीता से बात करनी होगी। गीता, अभी के अभी अपने पंडित जी के घर आ जाओ, बिल्कुल देर मत करना।